Hello guys, welcome back with my another day in my YouTube life. So I hope you are doing well. So guys, आज का डे बहुत ही स्पेशल होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पार्क व्हील्स ऑटो शो के अंदर, जिसमें आपको पता है पार्क व्हील्स जो है वो हर दफ़ा सुनील मन साहब जो है वो हर दफ़ा एक यूज़ कार गाला जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं लोगों के लिए, जिसमें लोग आके अपनी यूज़ कार को सेल कर सकें बहुत ही अच्छे रेट के ऊपर, और अगले दिन ही नेक्स्ट डे या उसके बाद जो है एक नया लेटेस्ट मॉडल जो है वो निकलवा सके। अब आपको जैसे पता है कि टोयोटा एक क्रॉस हाइब्रिड लॉन्च कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड हो रही है हाइब्रिड। उससे पहले भी टोयोटा काफ़ी सारी जो है वो अपनी हाइब्रिड गाड़ियाँ लॉन्च कर चुकी है, बट वो फ्लॉप हो गई हैं, फ्लॉप पे फ्लॉप होती गई हैं। बट दिस कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, इज लोकली मैन्युफैक्चर्ड, और ये गाड़ी बहुत ही मतलब आप कह लें कि सुपर हिट, जो कि आपकी सेंटा फी को होंडाई की एमजी है उसको, और उसके बाद आप कह लें कि जितनी भी और हाइब्रिड गाड़ियां जो 2023 में लॉन्च हुई हैं उनको बीट करने वाली है, क्योंकि ये वाली गाड़ी जो है ये एक अनबीटेबल कार जो है इस वक्त लॉन्च होने वाली है। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है इस गाड़ी की, तो आज ही आप लोग जो है वो पार्क व्हील्स विजिट करें, और हम भी इस वक्त पार्क व्हील्स जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो है वो एक अल्टस 1.6 है, आप लोग ये देख सकते हैं। इसको फिलहाल मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ अपने पार्क व्हील्स के ऑटो शो के ऊपर, और इंशाल्लाह अगर इसका अच्छा रेट लगेगा तो मैं इस गाड़ी को फौरन सेल करके जो है क्रोला क्रॉस हाइब्रिड की तरफ जाऊंगा। और अगर आप लोग भी क्रॉस जो है वो हाइब्रिड बुक करवाना चाहते हैं तो टोयोटा गेटवे मोटर्स पर विजिट करें, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और आप भी वहाँ जाके अपनी गाड़ी जो है बुक करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो गाड़ी है आपको वक्त के साथ साथ चेंज करनी चाहिए। एक मॉडल जो है आप उसको लाइफ टाइम जो है उसको नहीं चला सकते। आप ये कह लें कि ये गाड़ी मैंने ले ली है अब इसका इंजन डेड होगा तो मैं ये गाड़ी को छोड़ूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन गाड़ी को भी आपको हर साल अपग्रेड करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी शख्सियत को बहुत मुतासर करता है और इन्हेंस भी करता है आपकी एक अंदर की खूबसूरती को। तो गाड़ियों को आपको जो है वो अपग्रेड करना चाहिए वक्त के साथ साथ, जो जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनको ट्राई करना चाहिए। ये नहीं है कि आप टोयोटा लवर हैं तो आपने टोयोटा ही लेनी है, आप होंडा लवर हैं तो आपने होंडा, आप ब्रांड भी चेंज करने चाहिए। तो ज़िंदगी में ये है कि एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। मैं भी करता हूँ, आप लोग भी किया करें एक्सपीरियंस। और आपको पता है सुनील मन साहब तो आयरोज जो है वो टॉप ऑफ द वेरियंट्स और गाड़ियाँ जो है इस पर पाकिस्तान की वो चलाते हैं, वो भी एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो आप लोग भी करें। और बाकी ये है कि अभी हम चलते हैं पार्क व्हील्स के, और आपको बाकी जो है ब्लॉग जो है वो हम उधर एक्सपो सेंटर में जा करके आपको मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस फाइनली हम जो हैं वो एक्सपो सेंटर पहुंच चुके हैं पार्क व्हील्स जो यूज़ कार गाला है। अभी यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि एक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो 10 बजे क्योंकि गेट की एंट्री है, अभी हम बाहर वेट कर रहे हैं और बहुत रश है अभी यहाँ पर, लाइनें बहुत लंबी हैं, बहुत से लोग जो हैं वो आए हुए हैं बेचने के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी अंदर जाके और क्या सीन है, और इंशाल्लाह आज जो है अपनी गाड़ी का जो है अच्छा रेट लगवा के और इसको सेल आउट करके आएंगे। ये देखें गाइस, फुल लंबी लाइनें जो लगी हुई हैं इसको एक्सपो सेंटर के बाहर। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या कहते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम इस वक्त जो है हम पार्क व्हील्स ऑटो शो पे पहुँच चुके हैं, और आप लोग ये देख सकते हैं इस वक्त यहाँ का, ये इस वक्त प्रॉपर तैयारियाँ वगैरह जो हैं वो चल रही हैं इस वक्त यहाँ पे। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये पार्क व्हील्स का जहाँ पे इंस्पेक्शन आप करवा सकते हैं, ये पूरा पार्क व्हील्स का एरिया है। एंड देन एक साइड बैटरी का भी यहाँ पे इन्होंने दिया है, उसके साथ ईवी बाइक जो है इलेक्ट्रिक स्कूटीज उनका भी स्टॉल यहाँ पे गिवन है। बाकी स्टॉल्स जो हैं अभी सारे लग रहे हैं एक्सेस से, क्योंकि काम चल रहा है। हम सुबह सुबह आ गए हैं और हमें क्योंकि एंट्रेंस के ऊपर मेन हमें जगह मिल गई है, तो यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पार्क हैं। ये वाली गाड़ियाँ जो है सारी वो हमारी पार्क हैं, टोयोटा श्योर के नाम से आप लोग देख सकते हैं। बाकी गाड़ियों भी आप लोग देख सकते हैं, कैरी वगैरह जो है वो चल रही है। तो इंशाल्लाह जो है अभी बाकी आपको जैसे माहौल स्टार्ट होगा तो लोगों का रश होगा तो वो भी आपको फिर दिखाएंगे। चलेंगे हिसाब जो है, हमने अपना प्रॉपर जो है वो स्टॉल रेडी कर लिया है और आपको दिखाते हैं कि हमारे स्टॉल में क्या क्या स्टॉक मौजूद है। तो चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। तो ये इस वक्त हमारे पास किया स्पॉटेज है 2020 मॉडल, जिसकी पूरी गाड़ी की जो डिटेल्स वगैरह मेंशन है इसके ऊपर, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो सिविक ओरियल, ये है हमारे पास 2020 मॉडल वाइट कलर में। उसके बाद नेक्स्ट कार हमारे पास है, ये मेरा फेवरेट कार मेहरून, और आप कह लें रेड वाइन कलर, ये भी ओरियल 1.8 है। सेकंड हमारे पास आती है विड्स रॉयल ब्लू कलर के अंदर, और नेक्स्ट हमारे पास आती है विजल। तो ये इस वक्त है हमारा स्टॉक, और नेक्स्ट चलते हैं देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर में। Oh,
So guys, that was the one of the biggest auto show in Expo Center Lahore. That was this. तो गाइस हमें एक टेस्ला मिली है एक्सपो सेंटर के अंदर। आप देख सकते हैं किस लेवल की गाड़ियां जो हैं वो इस एक्सपो सेंटर लाहौर में जो है आई हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं एक फुली इलेक्ट्रिक और फुली फ्यूचरिस्टिक कार भी यहां पे सेल आउट होने। ओह गाइस, बाय द वे पार्क मिल्स ऑटो शो ने यार आज हमें जो है वो थका दिया है बहुत ज़्यादा। इस वक्त हो गई है थकन, सुबह से जो है वो आए हुए हैं और ट्राई कर रहे हैं गाड़ी सेल आउट करने की। बहुत सी अच्छी अच्छी हमें जो है वो ऑफर्स भी जो है वो आ चुकी हैं, बट स्टिल आप लोगों को जो है अभी जो हमारी डिमांड है उसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा। बाकी ये कि रिस्पांस ओवरऑल बहुत अच्छा है, कस्टमर्स जो हैं वो अपने खुश हैं। यहाँ से जो लेने वाले हैं वो कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी गाड़ी मिल गई मुनासिब रेट पर। बेचने वाला जो है वो भी खुश है कि यार मेरा जो है काफ़ी चीज़ें सेल आउट हो गई हैं। बाकी ये कि मैं बहुत थक गया हूँ और अब यहाँ पर जो है मैं इस वक्त अब दिल चाह रहा है कि जितना प्यारा मौसम है, आधी धूप और थोड़ा सी छाऊँ और हवा चल रही है, दिल चाह रहा है सो जाए बंदा यहाँ पे। और बाकी टाइम ऑफ होने वाला है और अब जो है बस चलते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं बस फिर आपको रास्ते में। अब और बाकी बातें जो है वो रास्ते में करते हैं। लेट्स सी। सो गाइस यार आज पार्क व्हील्स के शो से जो है वो फाइनली जो है हम फारिग हो गए हैं और फाइनली हमारी एक गाड़ी जो है माशाल्लाह से वो सेल भी हो गई है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था पार्क व्हील्स के इस ऑटो शो के अंदर और मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत ही मतलब कि हर टाइप के हर लेवल के लोगों के लिए एक बहुत ईजी वे था टू परचेज दिस कार। मतलब आप कह लेंगे 10 problems 1 solution वाला जो था वो एक आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक वो आपको मिलता है। बाकी ये था कि हर तरह की मतलब को बताऊं कि आपको यहाँ टेस्ला ऑडी ईट्रॉन जीटी टाइप मतलब एक बहुत हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक हर तरह की गाड़ियाँ मौजूद थी। आप आके उसको परचेज करते हैं उसी वक्त आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन भी हो सकती थी, वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इफ यू वांट। सो आज का व्लॉग जो है यार वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजे का रहा। लेकिन फाइनली एक चीज़ का अफसोस रहेगा वो रहेगा सुनील मन साहब का, क्योंकि सुनील मन साहब जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सके, बस उस चीज़ का रिग्रेट है, बाकी किसी चीज़ का नहीं है। बाकी ये कि व्लॉग बहुत अच्छा रहा था। मेरे चैनल को अभी तक जिस लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया फौरन से जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को तो दबा के निचोड़ लो ताकि तुम्हें हर आने वाली वीडियो के बारे में पहले से पता चल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए इजाज़त दें। सी यू सून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए हाफिज़ गाइज़।